Hello, everyone. Welcome to Ansarkari. Today, we are doing the chapters Heat, Light, and Motion of the Physics series. Starting with Heat, Measure of the Hotness of an Object, Its Temperature is Heat. Temperature is measured by device thermometer. Normal temperature 37 degree. थर्टी सेवन डिग्री को अगर करोगे फेरन में 98.5 एट पॉइंट फाइव के अराउंड आएंगे टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी नॉर्मली गो डज नॉट गो बिलो बिलो थर्टी फाइव ऑफ फोर्टी टू ऊपर नहीं जाते रीजन दिया हुआ है लेबोरेटरी थर्मोमीटर माइनस टेन टू हंड्रेड टेन डिग्री थर्मोमीटर तो सेंटीग्रेड टू फेरेनहाइट कैसे करते हैं तो सेंटीग्रेड इज इक्वल टू थर्टी टू एफ माइनस फाइव नाइन होता है एक सेकेंड देख कंफर्म कर लेते हैं एफ इज इक्वल टू नाइन सी इंटू नाइन बाई फाइव प्लस थर्टी टू पैर एंड हाइट पैर हाइट ज्यादा होते सेंटीग्रेड से तो एफ इज इक्वल टू सी इंटू नाइन बाई फाइव प्लस थर्टी टू केलविन होते हैं सी प्लस टू सेवेंटी थ्री पॉइंट तो इसको बोल सकते अब ट्रांसफर ऑफ हीट हीट बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन डिफरेंट टाइप्स का होता है रेडिएशन से भी होता है हमें कंडक्शन दिया हुआ For example, plastic, wood, है मटीरियल मटीरियल डू नॉट अलाउ हीटर कंडक्टर फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक वुड इसको इंसुलेटर बोलते हैं इसलिए अगर देखोगे तो कॉपर वायर है कॉपर वायर के ऊपर इंसुलेशन किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी से भी बचाने के लिए और दूसरा कि हीट जो लॉस होगा विथ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये भी कम हो जाए वाटर एंड एयर पुअर कनेक्टर ऑफ हीट वॉल कंस्ट्रक्टेडिंग द हाउस एंड ट्रैप एयर इज बैड कनेक्टर ऑफ हीट तो जैसे घर में अगर देखोगे डबल ग्रेज साइड विंडो आता है इसके बीच में पतले से लेयर एयर के होते हैं एयर इज ए बैड कंडेक्टर ऑफ हिट दैट इज वाई जो डबल क्रेस्ड विंडोज है इट की रूम वॉर्म डूरिंग द विंटर एंड कोल्ड ड्यूरिंग द समर लैंड ब्रिज और सी ब्रिज एग्जाम्पल सी ब्रिज सी ब्रिज नाम है तो सी से री फ्रॉम सी टू लैंड ड्यूरिंग द डे क्यों क्योंकि लैंड एब्जॉर्ब

अब एक और एक दिया हुआ है कंडक्शन कंडक्शन ओनली कन्वेक्शन सॉलिड सर्विस सॉरी कन्वेक्शन विल हैपन इन लिक्विड गैस और रेडिएशन स्पेस में नहीं इसलिए हीट कम्स फ्रॉम द सन रेडिएशन इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम तो ये पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स मीडियम रेडियशन कन्वेक्शन कंडक्शन तो एम सी क्यू में हॉट बॉडी रेडिएट पार्ट ऑफ द एब्जॉर्ब हीट तभी बोलते so हैं टॉकिंग अबाउट द मेल्टिंग ऑफ द आइस सीट एंड ग्लेशियस इन द वेस्ट एंटार्टिक गलैंड में तो एलबीडो इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू दमेशन ऑफ द कार्बन शूट ओवर इट कार्बन शूट क्या करते हैं दो रीजन कर, एक दो रीजन कारण आइस शीट मेल्ट होते है पहला इट एब्सॉर्ब हीट क्योंकि कार्बन शूट ब्लैक कलर के होते हैं हॉट बॉडी इट एब्सॉर्ब हीट सेकंड कि कार्बन शूट बनने के बाद इट द आइस शीट रिफ्लेक्ट्स लेस अमाउंट ऑफ लाइट फ्रॉम द सन दैट इज मानसी इसलिए इसलिए कार्बन सूट फॉर्मेशन होता है तो ये पूछा था लेसन द एल्बिडो एल्बिडो मतलब क्या होता है रिफ्लेक्शन एल्बिडो होता है रिड्यूस द एल्बिडो मतलब लेस रिफ्लेक्शन लेटेंट हीट लेटेंट हीट नाम से लेटेंट है सोया हुआ एक तरह से कैसे याद कर सकते हैं दो टाइप के होते है, इदेन, इदेन बोलते हैं तो हाँ, मतलब हाँ, 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 अब कैसे है कि फिजिकल स्टेट सेम रहेगा एक इनर्शिया उतने हीट मिलेगा उस कंपाउंड उस मिक्सचर को तब द फिजिकल स्टेट विल डिफर चेंज होगा इट विल्जाम्पल लेटेंट हीट हर के लिए अलग अलग हो सकता है वाटर के लिए अलग हो सकता है कोई और लिक्विड ऑयल या हनी सबके लिए अलग अलग हो सकता है एनर्जी सबसे द हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स

हीट ऑफ मेल्टिंग सॉलिड टू लिक्विड लेटेंट हीट ऑफ वही बात बिकम लिक्विड मेल्टिंग पॉइंट तो आइस के लिए जीरो प्रोसेस है मेल्टिंग मेल्टिंग बोलते हैं चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इस क्वाल फ्यूज

तो लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन होगा ऐसे बॉइलिंग पॉइंट है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन आ गया सेम ही चीज रहेंगे जैसे ये एग्जांपल है इसको हीट किए टेम्परेचर बढ़ते गए एनर्जी इनपुट बढ़ते गए तो ये फेज में फेज चेंज हो रहा है यहाँ पर सेम ही है सॉलिड ही है टेम्परेचर बढ़ाते गए एनर्जी बढ़ाते गए टेम्परेचर बढ़ते चले गए एक समय ऐसा आएगा जिसमें द फेज ऑफ द कंपाउंड चेंजेस आइस मेल्ट इन टू लिक्विड वाटर तो इस इस फेज को बोलते हैं लेटेंट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इस फेज को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फिर वो पूरे गैस बन जाते हैं इसके बाद सब गैस है सब मॉलिक्यूल गैस है चेंज आर इंडिकेटेड बाय फ्लैट रीजन क्योंकि हर एक जो सॉलिड के उनके अंदर डिफरेंट अट्रैक्टेड जो लोग पढ़े भी थे और डिटेल में जाना पड़ता है डिफरेंट टाइप अट्रैक्शन होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है और डिफरेंट चार्ज है आपस में या फिर बॉन्ड के अट्रैक्शन है तो हर एक टिकेक्टिव फोर्स को तोड़ने के लिए हीट काम आते हैं इसको ऐसा बोल सकते हैं तो तो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ तो ये बोल रहा है कि एनर्जी इनपुट ज्यादा है जब लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट करना है और सॉलिड से लिक्विड करना है तो एनर्जी इनपुट कम है कम एनर्जी चाहिए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बट आई थिंक उल्टा नहीं होना चाहिए इसमें सॉलिड तो लिक्विड ज्यादा एनर्जी चाहिए द पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट इंटरकम आजी मोशन और पार्टिकल बिफोर सबस्ट कैन चेंज फेस इसलिए ज्यादा होगा इसमें इतना है कि एनर्जी इनपुट ये एनर्जी इनपुट है बढ़ाते जा रहे हो हाँ। बढ़ाते जा रहे हो टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हो टेम्परेचर बढ़ते रहते है इसके मतलब टेम्परेचर यहाँ पर ही है ये हो सकता है जीरो डिग्री हो आइस के लिए तो एनर्जी बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है

यहां पर डी ई e में सब गैस होंगे बियॉन्ड ई फर्दर हीट हीटिंग अंदर प्रेशर कैन रेज द रेजरेचर स्टिल फर्दर इज हाउ अ प्रेशर कुकर वर्क्स ट्रू बियॉन्ड इट ई मतलब यहां से

एक एग्जांपल हो सकता है हाँ फ्रॉस्ट भी हो सकते हैं यस फिर वेपराइजेशन लिक्विड टू गैस एंड गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन ये तो पता जब आप गर्मी के समय में फ्रिज से बॉटल निकालते हो तो चाहे फिर कंटिन्यूस हाँ इज ए फॉर्मेशन ऑफ मिस्ट और कंडीशन नेल पॉलिश रिमूवर हाउ दैट इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग एसिटोन यूज होता है पार्टिकल गेन्स एनर्जी फ्रॉम योर यूर पॉम सराउंडली है जैसे होता है वैसी फील को डेट इज वाई ट्रांसपीरेशन इज यूज एज मैकेनिज्म टू कूल द सर्फेस ऑफ द दीव तो एक उसका भी कूलिंग इफेक्ट होता है फिर एक और होता है कि जब गर्म गर्मी के दिन में uh, जब फीवर के समय भी आप ठंड थंद, ठंडे कपड़े रखते हो तो इसी कारण होता है सर पे एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम द बोथ दर्फेस सरफेस ऑफ सनी डे पीपल स्प्रिंकल वॉटर ऑन द रूफ बिकॉज ऑफ द लेटेन लार्ज लेट एंडशन एक बार ये देख लो डिफरेंट है ये पढ़ लो मानसी मैं पिछले वाला क्वेश्चन का देखता ठीक है ये बोल रहा बेसिक क्लियर नेल पॉलिश कुड बी मेड फ्रॉम नाइट्रो सेल्यूलोस व्हिच इज डिसॉल्व इन ब्यूटाइल एसीटेट और इथाइल एसीटेट तो एसीटेट यूज होता है इन नेल पॉलिश कि नाइट्रो सेल्यूलोस फॉर्म्स अ शाइनी फिल्म ऑन द एसीटेट सॉल्वेंट इवेपोरेट्स तो बस ये याद रखते हैं है पीछे एसिटेट रहेगा इन टर्म्स ऑफ नेल पॉलिश एसिटोन मेन इंग्रेडिएंट हैं नेल है, पॉलिश में वहीं से एसिटोन और एसिटेट यहीं से आ रहे हैं एंड फर्मेंटेशन के थ्रू बनता है एसिटोन और इसमें इवन प्लास्टिक्स को भी डिजोल्व कर सकता है एसीटोन इसके अलावा यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट सुपर ग्लू रिमूवर ग्लू रिमूवर भी फाइबर ग्लास टूल क्लीनर और थिनर की तरह भी यूज करते हैं तो मतलब इसके जो प्रॉपर्टी हुई चीजों को डिजोल्व करने की एसीटोन की एंड एसिटोन को मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज करते हैं ना फार्मास्यूटिकल सेक्टर में

different we were discussing about the latent heat of vaporization versus latent heat of melting in which latent heat of vaporization is more because of larger entropy and randomness value it needs more energy to change the phase as compared to melting a uh, phase from solid to liquid so

एंड एक्सपोजिंग टू द एटमोसफेयर वैपोरेशन इेशन के कारण ठंड होता है इसी कारण ही समर में कॉटन क्लॉथ यूज करता है इसमें कंडेन होता है सिंपल वाटर ड्रॉपलेट्सर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग कोल्ड आइस वाटर कभी कभी जब फ्रिज से पानी रखते हो टेबल पर तो भींग जाते हैं टेबल क्लॉथ यही कारण कंड हर दिन पॉट में क्यों रखते हैं बताओ मानसी नहीं यही है कि जो सरफेस से हीट लॉस होता है वाटर का तो true. पानी ठंडा रहता है क्यों होता है एसिटोन रखने से पेट्रोल रखने से वही इवेपोरेशन कारण हीट लॉस हीट लॉस कारण ही हो और हीट लॉस हमेशा हो हाउ कैन बी सेपरेट मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड एमोनियम क्लोराइड तो एमोनियम क्लोराइड डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट सब्लिमेशन ऑन हीटिंग डायरेक्टली हीट कर दो चेंज हो जाए हीटिंग पाइप ट्रांजिस्टर बात होता है फ्रिज में बात होता है फ्रिज के पीछे में अगर देखोगे अब तो जो भी फ्रिज आते हैं पहले जमाने में फ्रिज बाहर होते थे उसके जो रेडिएटर अब उसके अंदर होता, हाँ। होता हैं रेडिएटर तो दिखता नहीं है लेकिन आप देखोगे आवाज करता है देर इज ए चेंज और रेडिएटर रेडिएट करते हीट तो वो मैकेनिज्म डिफरेंट है तो ये सबसे ज्यादा हीट एक्सचेंज होता है थ्रू ही रेडिएटर और ये रेडिएटर गाड़ी के सामने भी होता है अगर इंजन लगा देखो खोल कर करके तो जस्ट इंजन के सामने में ही रेडिएटर होते है मोटे से फिर वो स्प्लिट एसी या एसी नॉर्मल एसी भी होते हैं साइड पीछे में रेडिएटर इसी कारण में। तो कूलेंट जो होता है इसके बीच में वर्क करता है और हीट इन हीट आउट सिंपल मैकेनिज्म वेपराइजेशन समय अप्लाइंग प्रेशर

जैसे अगर बोला जाए तो टाटा स्टील में दो टाइप के रोलिंग मिल है जैसे कभी भी देखिए ना ट्रक जाते हुए तो पीछे में रोल रहता है, है स्टील सीट के रोल होते हैं पूरे तो दो टाइप से बनते हैं एक हीट यूज करके टेम्परेचर यूज करके पतले 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 सीट में बनाया जाता है फिर प्रेश किया जाता है फिर रोल किया जाता है वैसे एक और होता है प्रेशर से हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर यूज होता है ताकि उसने मोटे जो सीट होते हैं ना वो एक, एक बार में पतले सीट बन जाते हैं इतने प्रेशर यूज किया जाता है तो दो टाइप से चेंज होता है टेम्परेचर या प्रेशर अब आते हैं लाइट में चैप्टर लाइट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है पता है ट्रांसलूसेंट क्या होता है पार्शली ब्लॉक डायरेक्ट और ट्रांसलूसेंट और ओपेक होते हैं जहां पर टोटली ब्लॉक ब्रिक दिया भी है ट्रांसपेरेंट ओपेक दिख नहीं रहे ट्रांसलूशन ऐसे दिखते रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या होता है ऐसे ये लाइन है ये लगन लाइट है तो ये अगर यहां पर रिफ्लेक्ट करेगा तो वापस चल लेंगे रिफ्रैक्शन मतलब होता है ये लाइन एक तरह से द लाइन ऑफ लाइट इट विल चेंज द सीधा जा रहे तो यहाँ चेंज हो जाएंगे बता दें अब ये लाइट रे तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इंसिडेंट इसको बोलते हैं एंगल रिफ्लेक्शन दोनों सेम रहेंगे आई इक्वल टू आर तो हो सकता है ना ये जो सरफेस डिपेंड करते हो सरफेस अगर सीधा है तो इट विल बी सेम हाँ बार सेम ही रहेंगे लेकिन डिफरेंट यहाँ पर क्यों दिखाई दे रहा है क्योंकि सरफेस और टेक्सचर ही डिफरेंट है और ये सेम लॉन्ड रिफ्लेक्शन ये सेम एक्ट करते हैं साउंड ऑल्सो जो हम लोग कल पढ़े थे कि तभी जो थिएटर होता है उसके ऊपर में कर्व सरफेस होता है ताकि हर एक जन को सुनाई दे तो रिफ्लेक्शन में काम करते है।

डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है नीचे में देख सकते एक बार देना पहले क्या था थ्योरी ऑफ लाइट में पता इट इज एंड वेव नॉर अ पार्टिकल वो दिखते हैं वेव। लेकिन वो पार्टिकल्स है ट्रीट भी करते हैं तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पता चलता है तो आगे देख लेंगे रिफ्लेक्शन लाइट डिस्कस एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये मिरर है व्हेन पैरेलल रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम प्लेन सरफेस और नॉट पैरेलल दिस इज यहां पर सरफेस ही डिफरेंट है पैरेलल रे थे लेकिन अलग अलग रिफ्लेक्शन है इसका मतलब है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन और ये होता है रेगुलर एग्जैक्ट पैरेलल रे क्योंकि आई इज

क्योंकि जो ग्रीन जो है ना वही दिखता है मुझे रेड क्यों नहीं दिखता है ये येलो को वो एब्जॉर्ब करते हैं एबजॉर्ब करते हैं सिर्फ ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं क्लोरोफिल इसलिए ग्रीन दिखता है अपना कलर ही नहीं होता उसका अगर देखोगे हर चीज का अपना कोई कलर नहीं है कलरलेस दुनिया है आ, इस तरीके तो सही ऐसे तो है। ऐसे में हर चीज कलरलेस है लेकिन दिखता क्यों है दिखता है इसलिए क्योंकि जो चीज दिखता है उस मटेरियल का जो केमिकल कंपोजिशन ऐसा है कि इट रिफ्लेक्ट्स दैट अमाउंट ऑफ वेवलेंथ ओनली हर एक मटेरियल चाहे वो मोबाइल हो गया लैपटॉप हो गया हर एक चीज वही रिफ्लेक्ट करेंगे इससे कलर दिखता है इसको बोलते है वही वो तो अलग हो जाएगा सोचने से ऐसा अजीब लगेगा लेकिन सच है विच गिव आवर लाइट विच गिव देयर ओन लाइट सच एज सन फायर फ्लेम कैंडल इलेक्ट्रिक लैम्प लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं जिसके पास नहीं होता है वो एक तरह से नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं मून जैसे इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट मून अब क्लाइडोस को पता ही है बचपन में खेले भी है ना भी बोला तीन लीव्स की हमें जो? ग्रीन दिखती है जैसे ग्रीन आ? दिखती है हमें लीव्स तो क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन दिखती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से तो वैसे ही येलो भी दिखती है ऑटम के टाइम पे तो तो वो क्या है हाँ, तो वो, मतलब कि ग्रीन इसलिए दिखती है क्योंकि को ना कि क्लोरोफिल एक टाइप के नहीं होते भी होते है अलग अलग मोस्टली ग्रीन होता है लेकिन ओके और अलग अलग पिगमेंट पिगमेंट का अपना कुछ कलर नहीं होता जैसे रेड कलर जब बोलते हैं रेड कलर सूट है साड़ी है या फिर ड्रेस है तो रेड कलर क्यों है उसका अपना कलर रेड नहीं है उसके ऊपर में जो पिगमेंट लगा है इट ओनली रिफ्लेक्ट द रेड कलर दैट इज व्हाई बाकी जो कलर होंगे ना से वायलेट से लेकर ग्रीन इट एब्जॉर्ब्स दैट तभी हमें सिर्फ रेड दिखता है ये मैं बता रहा हूं मतलब जब डाई की भी बात करते हैं डाई की बात करते हैं केमिकल डालते तब वो कलर चेंज होता है हाँ मतलब जो तो 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 कलर से तो हाँ करता है। हाँ हाँ यही बात हुआ सिर्फ वही ऐसे क्या होता है उसका अपना कलर है ऐसा फील होता है अपना कलर किसी का कुछ नहीं है। सब ब्लैक एंड वाइट है दिख, दिखता है वही कलर है सिर्फ कलाइडो हो गया ये ब्यूटीफुल पैटर्न ये खेले भी थे ट्राइंगर शेप में होता है मिरर्स नीचे में कुछ डाला रहता है आपको दिखता है इन्फेनाइट दिखता है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है हाँ इसे देख लू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिए क्योंकि इक्वल इक्वल टू इन्वर्टेड इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे दो, ऐसे होता है यहाँ पे कुछ रखा रहता है तो इतने सारे दिखते हैं तो पेरीस्कोप ऐसा होता सब मरीन म्यूज होता है मोस्टली यहाँ से लाइट जा गए यहाँ पर मिरर है यहाँ मेरे लाइट गए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा यहाँ यहाँ हो गया अगर यहाँ तो पर पेंडिकुलर करोगे एंगल से आई इक्वल टू आर तो रिफ्लेक्ट होंगे यहाँ पर यहाँ पर टकराएंगे एंगल 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 इसके लिए ऑफ ऑफ इंसिडेंस जो होंगे इक्वल टू रिफ्लेक्शन फिर दिख सकते तो ये हो गया पेरिस्कोप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वही बोल दो मेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम एयर टू ग्लास डिफरेंट मीडियम दो बोलते या तो रिफ्लेक्शन होगा रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है तो रिफ्रैक्शन मतलब क्या होगा कि कायदे से इसको सीधा जाना चाहिए था ये वाले एंगल में एकदम सीधे अगर एयर होते तो लेकिन ग्लास है तो स्लाइटली टिल्ट कर जाएंगे यहां पर तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर वन इसके लिए रिफ्रैक्शन लाइट इसी को बोलते हैं डायरेक्ट Direct, of of डायरेक्शन से यहां जाना चाहिए इमरजेंट रे एच इमर्स किया फ्रॉम द सेकेंड मीडियम इट इज पैरल टू बा इंसिडेंट रे लेकिन ये और रिफ्रैक्शन क्यों होता है क्योंकि स्पीड चेंजेस विद ईच मीडियम वैसे ही लाइट लाइट के स्पीड होते हैं इट चेंजेस विद ईच मीडियम सबसे ज्यादा लाइट का स्पीड कहां होगा Space. Space, space. क्यों ऐसा होगा क्योंकि एयर में जैसे जाएंगे तो वो रहेगा कितने कितने एटम रेजिस्टेंस कम ग्लास में और कम वाटर डिपेंड करता है ग्लास और वाटर एयर के बीच में आएंगे क्या कलर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं उसके हिसाब से आता है सॉलिड में और कम रहेंगे तो

रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं हर एक के लिए अलग होते हैं गैस ग्लास के लिए अलग होगा हनी के लिए अलग होगा हर एक मीडियम के अलग लिए होगा लिए डिफरेंट लिए। मीडिया के अलग है इन वैक्यूम एयर में लेस सबसे ज्यादा कम वाटर ग्लास बाकी जगह और कम हो तो सबका अलग अलग दिया हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन से अगर देखोगे तो एयर का वन पॉइंट जीरो जीरो थ्री आइस वन पॉइंट थ्री वन और कम हुआ वाटर और कम क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ते गया, ये बढ़ने का बात हो रहा है जितना आधा बढ़ेगा उतना आधा कम हो जाएगा स्पीड और उतना शिफ्ट सिफ्ट हो जाएगा शिफ्ट ज्यादा होगा इसमें शिफ्ट ज्यादा होगा क्राउन ग्लास में ज्यादा होगा टर्पनटाइल ऑयल में ज्यादा होगा तो इतना एग्जैक्ट याद नहीं करना बस याद रखना है कि ये लिक्विड है ये गैस था ये लिक्विड है इसलिए फिर सॉलिड आना स्टार्ट होगा यहाँ सॉलिड है सॉलिड में और ज्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्योंकि डेंस मटेरियल है सिर्फ ज्यादा होगा स्लो कम होगा राइट? और जो भी सब ट्रांसलूसेंट या ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बात हो रहा है यहाँ पर ओपेक का तो बात ही नहीं है ओपेक में तो हो गई जीरो

ये एयर रेयर मीडियम ये डेंसर मीडियम तो अवे फ्रॉम नॉर्मल क्या होगा ऐसे होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल लेकिन towards है नॉर्मल है टूवर्ड्स द नॉर्मल इस तरफ होगा तो हम ऐसे याद रखना टूवर्ड द नॉर्मल अगर लेकिन जाएंगे डेंसर टू रेयर तो अवे फ्रॉम नॉर्मल अगर ये अगर होता है असली तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाना चाहता है इस तरफ लेकिन नॉर्मल से इस तरफ अवे फ्रॉम नॉर्मल बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना कौन सी तो मतलब अगर लेस डेंस से ज्यादा डेंस में हम जा रहे हैं तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होगा हम्म लेस डेंस से ज्यादा डेंस में जा रहे हैं तो टूवर्ड्स नॉर्मल हाँ लेस डेंस है ना हाँ ट्रू टूवर्ड्स नॉर्मल होगा लेस डेंस से ज्यादा डेंस तो हाँ ऐसा बोल सकते इसको एक बार देख लो केरोसिन ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकली मोर डेंस देन वाटर तो इसमें जब वाटर से अगर केरोसिन माएंगे तो टूवर्ड द नॉर्मल के अवे फ्रॉम नॉर्मल मानसिक वॉटर तो तो टूरो